सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यूज के बारे में। दोस्तों, स्कॉलरशिप के विषय में ऑलरेडी हमने कई वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को लगातार अपडेट दिया है और दोस्तों आज की वीडियो में भी हम लगातार आपको एक अपडेट ही देंगे। दोस्तों देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें स्पेशली छात्राओं को होगा छात्रवृत्ति का पहला अधिकार, यानी कि यहाँ पर जो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो छात्रवृत्ति आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत सारे हमारे सामान्य वर्ग के प्रशिक्षु, ओबीसी वर्ग के और एससी एसटी के भी बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनका स्कॉलरशिप अभी नहीं आया है, आया भी है तो बहुत ही कम पैसे आए हैं, स्कॉलरशिप के पूरे पैसे नहीं आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है इस वीडियो में छात्राओं को होगा छात्रवृत्ति का पहला अधिकार। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के, पहले तो सिर्फ ओबीसी के लिए ये रूल था कि ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाए होंगे या अगर उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम में है वो उन्होंने फॉर्म भरा तो उनका इंटरमीडिएट में 60% नंबर होने चाहिए तभी उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके बाद फिर जनरल वर्ग के प्रशिक्षुओं के लिए भी एक नोटिस आती है जिसमें ये लिखा होता है कि अब जो जनरल वर्ग के प्रशिक्षु हैं उनका भी अगर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होगा तभी उनको डीएलएड में स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे ही जो बच्चे बीए बीएससी में हैं उनको तभी स्कॉलरशिप मिलेगी जब उनके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और रूल आ गया है, वो रूल ये है कि पहले छात्राओं को छात्रवृत्ति का पहला अधिकार होगा। अब यहाँ पर ये पूरी न्यूज क्या है ये आप जब मैं यहाँ पर पढ़ूंगी तभी आप पूरे अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर इस न्यूज में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि स्पष्ट रूप से मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि अब चाहे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों चाहे जनरल वर्ग के प्रशिक्षु हों सभी को अब स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब उनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग के शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है, यानी कि एक बार फिर से प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग के शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियमों में एक बार फिर से पुनः चेंजेस करने जा रही है। वो चेंजेस क्या है देखिए, नए बदलाव के तहत छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का पहला अधिकार छात्राओं को होगा, यानी कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं डीएलएड में उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पहले अब छात्राओं को ही छात्रवृत्ति का अधिकार होगा। दिव्यांग छात्र छात्राओं को भी योजना का लाभ पहले दिया जाएगा, यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे और जो छात्राएं हैं उन सभी को पहले इस योजना का लाभ मिलेगा, छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। उसके बाद यानी कि जो छात्राएं हैं, जितनी भी छात्राएं हैं डीएलएड में, जितनी लड़कियां हैं, सबसे पहले उन सभी लड़कियों को, उन सभी प्रशिक्षुओं को सबसे पहले छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं या दिव्यांग प्रशिक्षु हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि उनको उनके पूरे पैसे स्कॉलरशिप के वापस होंगे, उनकी फीस पूरी वापस होगी। और अब इसके बाद जितना भी बजट बचेगा, यहाँ पर देखिए जितना भी बजट बचेगा उससे सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सामान्य, यहाँ पर आप देखिए सामान्य वर्ग के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि अधिकतर सामान्य वर्ग के छात्र छात्र ऐसे थे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, तो यहाँ पर वही चीज कही गई है कि सबसे पहले छात्राओं को, यानी कि जो छात्रा प्रशिक्षु है सबसे पहले उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं या दिव्यांग प्रशिक्षु हैं उनको मिलेगी स्कॉलरशिप, और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी सामान्य वर्ग के छात्रों को या सामान्य वर्ग के जो प्रशिक्षु हैं छात्र हैं उनको। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो में पूरा संक्षेप में इसका सार बताऊं तो यही है कि सबसे पहले जो सामान्य वर्ग में भी जो छात्राएं हैं सबसे पहले छात्राओं को शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी, दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनको शुल्क की प्रतिपूर्ति होगी, उसके बाद जो बजट बचता है फिर उससे सामान्य वर्ग के सभी छात्र जो बचे हुए हैं उनको भी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी बशर्ते थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस से अपडेट रहें। लगातार जैसे ही स्कॉलरशिप के रिलेटेड कोई भी न्यूज हमारे चैनल पर आएगी
उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाएगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, और अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। लगातार हम आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यूज को जरूर दिखाते हैं और उसके बारे में जरूर बताते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी प्रशिक्षुओं के हित की बात है। तो यहाँ पर लगातार हम आप लोगों के लिए स्टडी से रिलेटेड वीडियोस तो लाते ही हैं, स्टडी लगातार हम आपको डीएलएड तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपको लगातार छात्रवृत्ति के बारे में भी न्यूज देते हुए चलते हैं, और लगातार आगे भी आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति की जो भी जानकारी हमको मिलती है उसका न्यूज हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। बस लगातार आप लोग ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और लगातार ऐसे ही वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।